शांति जीवन की इस यात्रा में आंधिया और तूफान आते ही रहते हैं और ये आंधियां और तूफान हमारे जीवन को परिपक्व बनाते हैं जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं है विघन नहीं है समस्या नहीं है तो किसी बड़ी परिस्थिति के आने पर कई बार धोखा भी खा लेते हैं लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को अनेक प्रकार की मुसीबतों से आंधियों से तूफान से गुजारा है वो उतने अनुभवी बन जाते हैं वो समय आने पर धोखा नहीं खाते हैं बल्कि उन परिस्थितियों को पार करने की उनके अंदर क्षमता का विकास हो जाता है इसी तरह से अध्यात्म के पथ पर भी कई प्रकार की उपस्थितियाँ आती हैं आंधियाँ आती हैं तूफान आते हैं जो हमें परिपक्व बनाते हैं और आंधी और तूफान का सामना वही करते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं जो घर के अंदर ही हैं कमरे में बंद हैं या साधना के पथ पर जिन्होंने अपनी यात्रा आरंभ नहीं की है या एक साधारण रूप से ही अपने जीवन यापन में लगे हुए हैं तो जैसे कि उनका जीवन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी कमज़ोर रह जाती है समय आने पर परिस्थिति आने पर वो कहीं ना कहीं फिर धोखा खा लेते हैं तो इस 21 दिवसीय भट्ठी में हम सब ने देखा कि बहुत सारी ऐसी आश्रय वृत्तियां जिनको संसार ने राक्षसों का रूप दिया है शास्त्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है तो ऐसे अनेक प्रकार की वृत्तियों से हमारा जीवन भी जो है ग्रसित हो चुका था लेकिन बट्टी जैसे एक आईना होती है दर्पण होती है अंदर झांकने की स्वयं को जांच करने की कि हमारे अंदर अभी भी कौन कौन सी ऐसी वृत्तियाँ हैं जिनके ऊपर पर्दा पड़ चुका हुआ है पर्दे के अंदर में हैं और हम केवल बाहर बार से उनको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं समय आने पर वो परिस्थितियां हमें कमज़ोर कर देती हैं और ये हम सब जानते हैं कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं उसी तरह सत्य के पथ पर जब हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है परिस्थितियां तभी आती हैं तो इस इक्कीस दिवसीय भट्टी में हमने देखा अजामिल से लेकर तो रावण तक की यात्रा के बीच अनेक प्रकार की जो आश्रय वृत्तियाँ हैं कैसे कैसे वो हमें प्रभावित करती हैं और उन आश्रय वृत्तियों से हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई उन घटनाओं का हमारे ऊपर क्या असर पड़ा और उन घटनाओं से हमने क्या सीखा उन घटनाओं से कैसे पार करना है उन पर विजय कैसे पानी है ये सब चीज़ें हमने देखी जिसने भी इस भट्टी में हम सबको अपने अपने विचारों से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार हमको लाभान्वित किया यदि हमने गहराई से हर एक वक्ता की क्लास को सुना होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा हवे हुआ होगा अगर केवल सुना ही है तो भी फायदा जरूर हुआ है क्योंकि थोड़ा भी व्यर्थ नहीं जाता है बाबा कहते कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है क्योंकि मन में एक द्वंद की भावना बनी रहती है एक अंदर ही अंदर अंतर द्वंद बना रहता है जैसे अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है तो वास्तव में हमारी संपूर्णता हमारे अंदर निहित है वो समाई हुई है लेकिन उसके ऊपर आसुरियता का प्रभाव ज्यादा पड़ गया है जो देखा किस रूप में तो जो इक्कीस जो राक्षस थे चाहे वो अजामिल अर्थात सौंदर्य के ऊपर आकर्षित हो गया इतने लंबे समय से साधना करने के बावजूद भी वो एक छोटा सा दृश्य देखने के बाद अपनी सारी साधना को दांव पर लगा बैठा और उसका फिर जीवन क्या से क्या बन गया तो ऐसे हम अपनी इस अध्यात्म पथ पर जो हम अग्रसर हैं अपनी इस यात्रा पर अगर देखें सभी हम अनुभवी हैं अगर थोड़ा सा भी हम प्रभावित हो जाते हैं कहीं ना कहीं चाहे वो किसी की देह पर या अपनी देह पर या किसी के सौंदर्य पर तो हमारा जो विकास है रुक जाता है अध्यात्म का विकास रुक जाता है हमारी यात्रा थम जाती है तो हमें स्वयं ही अंदर झांकना है जांच करनी है निरीक्षण करना है कि हम आत्म उत्थान की तरफ बढ़ रहे हैं या पतन तो नहीं हो रहा है जैसे बाबा कहते बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है ऐसे ही पुरुषार्थ की भी एक एक बूंद धीरे धीरे हमें संपन्नता की ओर लेकर जाएगी हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचाएगी आज है ना मुरली में देह अभिमानी बनना बड़ी मंजिल है ये केवल बाप और परमधाम को याद करो तो इस मुश्किल बड़े सफ़र में हमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है ऐसा नहीं है कि बाबा के, के महा बाक्योग में सहज राजयोग समझते समझते अपने साथ ही कहीं ना कहीं शलाबा धोखा करते रहें ये तो जब लंबी यात्रा होती है तो माँ बाप बच्चे को कहते हैं बस थोड़ा सा आ गया थोड़ा सा आ गया थोड़ा सा आ गया ताकि वो डिसाइडेड ना हो जाए दिल शिकस्त ना हो जाए ऐसे ही बाबा इस संगम ऊपर हर एक बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं अनेक जन्मों के जो विकारों के का आत्मा के ऊपर जड़ी चढ़ी हुई है उसको उतारना कोई आसान काम नहीं है हाँ अगर अटेंशन रखते हैं मर्यादाओं के अनुरूप हम हाँ अपने जीवन को हम ढालते हैं उसे अनुरूप चलते हैं श्रीमत का पूरा पालन करते हैं जो भी परहेज़ है उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर यह यात्रा सुगम है अगर थोड़ा सा भी हम किनारे रख देते हैं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो यात्रा जैसे मुसीबत भरी लगती है जैसे स्कूल में टीचर तो सबको एक समान ही पढ़ाता है कोई सहज रूप से पास हो जाता है कोई सहज रूप से फर्स्ट क्लास में चला जाता है कोई फेल भी हो जाता है वही पढ़ाई कोई कोई बच्चे को आसान लगती है वही पढ़ाई कोई, कोई कोई बच्चे को बड़ा मुश्किल लगती है जो अटेंशन रखता है उसके लिए सहज है जो अटेंशन नहीं रखता है खेल पाल में अपने जीवन को गवा देता है खाने पीने में गवा देता है इधर उधर तो घूमने में गवा देता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है उसी तरह से इस अध्यात्म के पथ पर इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में अगर हम थोड़ा सा भी अटेंशन रखते हैं तो हमारी जो एडिक्शन्स हैं पुरानी आदतें हैं उनसे हम छुटकारा सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं तो इस भट्ठी के सार में ये देखा कि जो भी हमारे अंदर कमिंग कमजोरियां उनसे हम परिचित हुए हैं इनसे हम पीठ नहीं मोड़ सकते हैं कि ये हमारे अंदर बुराइयां नहीं है जैसे बताया अजामिल की बुराई कौन सी थी दूसरा कौन था महिषासुर अर्थात मोटी बुद्धि देह अभिमान की परत चढ़ी हुई है हम सोचते कोई था। हमारे हाँ हम पहले तो यही सोचते कोई था लेकिन ये तो सारे राक्षस हमारे अंदर ही है और अगर सार रूप में कहें तो हम स्वयं ही हैं वो हमारे अंदर नहीं हम स्वयं ही हैं वो मार जी मार जो जाता है तो ये तो उन शास्त्र लिखने वालों को भी भला जो हमको परिचित कराया कि हम कौन है लेकिन बाबा ने भी हम सबको परिचित कराया तो जैसे अंदर एक जंग छिड़ी रहती है जैसे एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है कितने लंबे समय से लड़ाई चलती है तो पूरे देश का सत्यानाश हो जाता है जनता को कितना त्रासदी झेलनी पड़ती है कितना नुकसान होता है उसी तरह हमारे आंतरिक जगत में भी सारी जो द्वंद चल रही है आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति इन दो वृत्तियों के बीच जंग चलती रहती है लेकिन इसके बीच में बाबा हमें ईश्वरीय अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं आश्रय वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं तो अगर हम उन शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी जैसे दैवी जो संस्कृति है दैवी जो संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है आश्रय वृत्तियाँ हावी हो जाती हैं तो हमें माहषास्त्र की तरह मोटी बुद्धि नहीं बनना है बाबा कहते हैं तुम्हारी विशाल बुद्धि होनी चाहिए सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए दिव्य बुद्धि होनी चाहिए हाँ जी दूरांदेशी बुद्धि होनी चाहिए पवित्र बुद्धि होनी चाहिए तो ना शेरनी के बर्तन में ही सोने के बर्तन में शेरनी का दुध ठहरता है तो जो हमारा बर्तन है ये कैसा है बर्तन की जरूरत ही नहीं पड़े ये सारा शेरनी का ही बर्तन बन जाए सारा <laughs> तो सोने का बर्तन चाहिए तो मोटी बुद्धि ना हो दिन प्रतिदिन ये ज्ञान हमारी बुद्धि को स्वच्छ करता है और धीरे धीरे ज्ञान के मोती ठहरने लगते हैं इसमें तो हमें उस महिषासर की तरह मोटी बुद्धि नहीं जांच करनी है निरीक्षण करना है ताकि इस भट्टी के सार का हमको अनुभव हो कि हमारी बुद्धि दिन प्रतिदिन मोटी बुद्धि हो रही है या सूक्ष्म की तरफ जा रही है हम सूक्ष्म रूप से अपनी कमजोरियों को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं मैं का, गला मैं का गला काट देना है मैं मैपन का गला काट देना है फिर धुंधुकारी था धुंधुकारी पहले कांस।, कांस कांस का वध तो कांस जो सत्ता का लालच था सत्ता के लालच के लिए अपनों को भी मौत दे देता था जो सत्ता का दुरुपयोग सत्ता के ऊपर पूरा अपना ही कब्जा करना उससे हाँ जी अहम तो कितना सत्ता का हमारे ऊपर भी ऐसा ना हो कि उसकी तरह हम अपनों का ही गला घोट दें अपनों का तो छोड़े अपना ही गला ना दें कहीं अपनी ही हम हत्या ना कर दे आत्महत्या अर्थात देह अभिमान में रहना अर्थात आत्महत्या हाँ जी स्वयं पर अपकार करना आज के मूल्य में इसलिए बाबा कहते अपकार नहीं स्वयं का उपकार करो बाप का भी अपकार करते हैं बाप का अपकार करना अर्थात बाप की शिक्षाओं को नज़रअंदाज करना ये भी बाप का जैसे अपकार करना है तो ये सारे कंस के संस्कार हैं उसने किस बद किया? का वध किया का वध कर दिया बाप का भी कर दिया उसको भी बंदी बना दिया अपकार किया उसका भी तो ऐसे हमें भी देखना है कि हम स्वयं का या बाप का अपकार तो नहीं कर रहे हैं सो उपकारी बनना है आज की मूल्य भी अपकार और उपकारी के ऊपर ही है फिर चौथा था धुंधुकारी धुंधुकारी अर्थात बहुत अत्याचारी चोरी डकैती दूसरों को तंग करना यह सब की या, उसकी आदतों में शुमार हो चुका था संग दोष उसके कारण उसने अपने परिवार को भी तहस नहस कर दिया हम देखेंगे जितने भी आसुरी वृत्ति वाले जो राक्षस हैं इन्होंने सारे समाज में जैसे कोहराम मचा के रखा था सारे समाज में हाहाकार मचा के रखा था हर व्यक्ति को तंग करने की प्रवृत्ति थी अपना आधिपत्य जमाने के लिए तो उसकी तरह हमारा जीवन ना हो जाए सांसारिक सुखों में अपने जीवन को बिताना वो ही एक जीवन का सार समझ लेना उसको उसके लिए कुछ भी करना, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए तो ये सब चीज़ें जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं अत्यंत घातक हैं इससे हमको दूरी बना के रखनी है इससे हमको परहेज करना है पांचवा था जी मकासुर।, मकासुर अर्थात जो ज़्यादा भोजन खाने वाला जो रोज एक व्यक्ति की जान लेता था तो अर्थात हम रोज अगर किसी एक व्यक्ति ने स्वयं की जान लेते रहते हैं भगवान ने हमको ये जन्म दिया है जिसका हमें ज्ञान रत्न से श्रृंगार करना है पालन पोषण करना है क्योंकि ये साधारण जीवन नहीं है संसार के लिए है तो अगर हम दूसरे के जीवन में भी हस्तक्षेप करते हैं जिससे उसका जीवन नष्ट हो रहा है अर्थात उसके समय को खा रहे हैं हम अपने समय को भी नष्ट कर रहे हैं उसकी स्थिति को डगमग कर रहे हैं पुरुषार्थ करने का उसका टाइम है उसको भी उसको भी हम प्रभावित कर रहे हैं तो जैसे हम एक जीवन को दाव पर लगा रहे हैं तो हमें उस तरह से नहीं बनना है अगला था नींद और भोजन का जो प्रेमी था कुंभकर्ण तो ये ब्राह्मण जीवन में दो बहुत सारी बहुत बड़े ये एक कवच हैं अगर इन पर नियंत्रण हो जाए दोनों चीजों पर तो यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है और ये नियंत्रण स्वाभाविक रूप से परिणाम है हमारे पुरुषार्थ का जहां पुरुषार्थ की तड़फ होती है वहां नींद स्वतः कम हो जाती है वहां भोजन पर नियंत्रण स्वतः हो जाता है तो ये नींद और भोजन पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए बाप का कल, संसार के कल्याण के लिए चिंतन चलता रहता है पूरी रात बाप को नींद नहीं आती है इतने बड़े बड़े ख्यालात चलते रहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसा फिक्र होना चाहिए चिंता चल, चिंता होनी चाहिए बाप है कल्याणकारी तुम बच्चों को भी बाप जैसा कल्याणकारी बनना है फिर नेक्स्ट था स्वरूप सरूपनखा अर्थात तो जो साधकों को अपने सौंदर्य के ऊपर आकर्षित करने वाली थी तो ऐसा न हो इस साधना के पथ पर हमारी जो विचारधारा है केवल देह के इर्द गिर्द घूमती रहे अर्थात हम अपने बाहरी पहनावे से दूसरों को आकर्षित करते हैं तो जैसे हम दूसरे के जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं फैशनेबल लाइफ को शॉर्टकट कहेंगे तो अपने पहनावे से दूसरों का आकर्षित करना या ज़्यादा फैशन करना ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है नेक्स्ट था मंथरा मंथरा अर्थात इधर की बात उधर सारे परिवार को इकट्ठा करके रखना किस रूप में लड़ाई झगड़े के लिए सबको बिजी रख दिया उसने व्यर्थ के संसार में सबको बिजी कर दिया तो हमें उस तरह की लाइफ नहीं है उस तरह से बिजी नहीं करना जो व्यर्थ के संसार में ही अपना जीवन दाव पर लगा दें इसलिए बाबा के समाने की शक्ति चाहिए जीवन में बातें आएंगी परिस्थितियां आएंगी लेकिन उन सबको हमको समा लेना है और उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है जो बाबा ने संडे की मुरली में स्लोगन दिया था कौन सा स्लोगन था गोल्डन गिफ्ट दी थी शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट तो सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना मंत्र जैसा जीवन यापन नहीं करना है उससे अगला कौन सा था दसवा कीचक नौवा कीचक रविनेश भाई ने सुनाया था कीचक के बारे में जरासंध तो उधर है आशीष भाई ने सुनाया था जरासंध के बारे में तो कीचक अर्थात जो बुरी वृत्ति वाला है बुरी दृष्टि वाला है तो हमारी दृष्टि दृष्टिवृत्ति पग पग पर विचलित ना होती रहे अगर हमारे पुरुषार्थ में ताकत बढ़ती जा रही है तो आत्मा में जो बल बढ़ता जा रहा है तो हमारा भी स्वयं की कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण अनुभव होना चाहिए हमको कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि आंखों को बंद करके पुरुषार्थ नहीं करना है आंखें तो खुली चाहिए लेकिन जो बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए कौन सी आत्म की दृष्टि की और ये एक दो दिन की बात नहीं है लंबे समय का अभ्यास करने के बाद ही थोड़ा कुछ रस हमारे हाथ में आएगा लंबी यात्रा है इसलिए हमको कीचक जैसा नहीं बनना है नेक्स्ट था जरासंध जरासंध अर्थात मनमत मेक्स अर्थात वो बहुत शक्तिशाली था और या उसका जन्म भी दो व्यक्तियों से द्वारा हुआ था अलग अलग आधा आधा ऐसे दो माह से।, से जन्म हुआ था तो ये सारे जो आश्रय वृत्ति वाले हैं ये दैवी संस्कृति को नष्ट करने के लिए थे तो इस तरह के राक्षसों से हमें पूरा जागरूक रहना है रहना है ताकि हमारी जो हम दैवी संस्कृति का पोषण कर रहे हैं अपने संस्कारों को दिन प्रतिदिन पोषित करते जा रहे हैं उन संस्कारों को ऐसा ना हो कि वो पोषण की वजह उनका शोषण होता जाए नेक्स्ट है अगला किसका टर्न था शकुनी मामा शकुनी अर्थात षड्यंत्रकारी किसलिए षड्यंत्र किया कि सारी सत्ता हमारे हाथ में आ जाए उसी तरह से ब्राह्मण संसार में भी ऐसा ना हो कि हम अपना आधिपत्य जमाने के लिए झूठ को सिद्ध करने के लिए झूठ को सत्य साबित करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहे या अपनी कमी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं ताकि मेरी जो छवि है वो सबके सामने स्वच्छ दिखाई दे अंजी? सिद्ध करने के लिए तो फिर उसको जिद करना पड़ता है कहा जाता है ना सच जो है ना उसको तो एक बार बोल दे तो बोल दिया और झूठ को छिपाने के लिए सौ झूठ और बोलने पड़ते हैं षडयंत्र रचने पड़ते हैं तो इसी तरह हम जीवन में ऐसे षड्यंत्र न रचें जिससे हमारा भविष्य दावों पर लग जाए और पूरा जो ब्राह्मण परिवार है भले वर्तमान में थोड़े समय के लिए तो बाह हो जाएगी थोड़े समय के लिए मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन सफलता मिल जाएगी लेकिन फ्यूचर हमारा खराब हो जाएगा और अब वर्तमान में भी खुशी नहीं रहेगी जो आंतरिक खुशी होनी चाहिए तो देखना उस तरह के हमको षड्यंत्रों का निर्माण नहीं करना है अगला किसका था शकुनी के बाद दुर्योधन आया नहीं आज दुर्योधन अर्थात धन का दुरुपयोग धन का दुरुपयोग तो वहां तो एक स्थूल रूप से है लेकिन यहां धन का दुरुपयोग अर्थात ज्ञान धन का दुरुपयोग भगवान के महावाक्यों को ही हम अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग में लाते हैं तो जैसे हम धन का दुरुपयोग कर रहे हैं उस ज्ञान का मनन चिंतन बाबा ने कहा एक एक पॉइंट का चिंतन करो तो हर एक का चिंतन अपने अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार होता है अगर किसी एक बात पर कोई गहराई से चिंतन करता है तो उस चिंतन को काटने के लिए सामने वाला दस बातें खड़ी कर देगा कि भगवान ने ऐसे भी कहा हुआ है तो इस ज्ञान को समझना कोई साधारण बात नहीं है टेढ़ी खीरा यही तो ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म है ज्ञान जितना भी इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो बताए बारीक हो जाएगी सूक्ष्म हो जाएगी उस ज्ञान को पकड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो इस तरह से हमें ऐसा दुर्योधन नहीं बनना है जो हम इस धन का चाहे स्थूल धन है चाहे सूक्ष्म धन है उसका दुरुपयोग ना करें नेक्स्ट था दुशासन दुशासन अर्थात शासन का दुरुपयोग करने वाला दूसरों का अपमान करने, करने वाला तो जो हम जो बाबा कहते हैं निरंतर अपने सम्मान की सीट पर बैठे रहो ये भी हमको एक शासन मिला हुआ है स्वयं का शासन जो परसों के मूल्य में तस्तुराज्य अधिकारी राजा बच्चा बनो तो सारे दिन में अपना शासन छोड़ के ये देरूपी जो हमको ये शासन मिला हुआ है इस पर क्या हमारा पूरा अनुशासन रहता है या दूसरों की देह पर ही हमारी सारी चेतना घूमती रहती है सारी हमारी वृत्तियां उधरी चंचल होती रहती हैं तो हम दुशासन दुशासन अर्थात क्या द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला अर्थात यहाँ भी हमारी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं दूसरे की देह के इर्द गिर्द घूमना अर्थात दूसरे के देह के प्रति लगाव अट्रैक्शन तो इस तरह का हमको दुशासन नहीं बनना है नेक्स्ट था हिरणाकश्यप हिरणाकश्यप अर्थात प्रहलाद प्रहलाद यह ना उसका बेटा जो भगवान से भी शत्रुता ले लेता है और बच्चे अपने पिता से और प्रहलाद बच्चे को मारता है ना वो तो होलिका को जलाता है हिरणा कश्यप तो परिवार में भी ऐसा नहीं कोई आगे बढ़ रहा है जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है उसके पुरुषार्थ में हम बिघिन डालें लेकिन जीत तो अंतिम सत्य की ही होती है तो हमें किसी के पुरुषार्थ में पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा नहीं क्रिएट करनी है वो बाधा मुश्किल ही नहीं क्रिएट करते हैं बल्कि अपने पुरुषार्थ को ही खत्म कर देते हैं अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं नेक्स्ट था हिराकश्यप के बाद कौन था हिरा कश्यप के बाद कालनेमी कालनेमी काल काल अर्थात बहु बनकर दूसरे के काल को खा जाता है समय को खा जाता है अर्थात जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है किसी की जान को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गया अर्थात सेवा में कोई जा रहा है और हम उसके बीच में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उसके समय को नष्ट कर रहे हैं और वो समय नष्ट करते तो किसी की जान जा सकती है अर्थात कोई इस ब्राह्मण जीवन में हाथ छोड़ सकता है तो उसका बोझ भी हमारे सिर पर चढ़ जाएगा तो समय को नष्ट नहीं करना है कालने में जैसे हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए और देखा है जितने भी राक्षस हैं ये सब किस रूप में धोखा देते थे ऋषि के रूप में ब्राह्मणों के रूप में वेश बदल कर तो वो कौन है वेश तो हमारा ही बदला हुआ है अंदर की वृत्तियां कौन सी हैं अभी भी बाहर से तो हमने वेश बदल दिया है बड़े अच्छे अच्छे हम तपस्वी लग रहे हैं राजयोगी लग रहे हैं अच्छे अच्छे पुरुषार्थी लग रहे हैं लेकिन अंदर की जो आश्रय वृत्तियां वो कौन सी हैं वो ही काल नेमी ताड़का और सर ये शकुनी ये सब चीजें प्रति अंदर ही तो बैठी बाहर से तो ऋषि लग रहे हैं तो हमें उस तरह का ये नहीं बनना है नेक्स्ट था ताड़का स्वर दिनेश तो ताड़का स्वर अर्थात ये सब दैत्य राक्षस हैं ये दैत्य अर्थात दुर्गति करने वाले दुख देने वाले तो इस तरह के इन आश्रय वृत्तियों से हमको पूरी सावधानी रखनी है नेक्स्ट था सुरुपन पूतना पूतना, पूतना हाँ डॉक्टर मनीषा जी तो पूतना पूतना भी क्या करती है किसी को जान लेती है दूध पिला कर यहाँ भी अच्छा अच्छा भोजन कला कर हम किसी को कोई साधना करने आते हैं समझ लो सेंटर में आते हैं मधुबन में आते हैं पुरुषार्थ के लिए आते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि उनके समय को नष्ट करें उनके साथ हम बैठ के गपशप मारें हम देखते हैं दूर दूर से आते हैं कोई विदेश से आते हैं तो हम अपने ऊपर जो हमेशा अटेंशन रखते हैं सामने से हम किसी को नहीं बुलाते क्योंकि सबका अपना अपना एक प्लान तैयार करके आते हैं यहाँ के लिए और हम थोड़ा सा उस प्लान को चौपट करते हैं तो उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझा बन जाता है इसलिए हम तो किसी को डायरेक्ट पहले ओम शांति भी नहीं करते हैं नहीं तो वो बेचारा जो प्लान बना के अपनी साधना करने के लिए आया उसमें हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दें और अपनी इच्छाएं जाहिर करने लगें तो बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाएगा इसलिए जो जिसके लिए आ रहा है पहले उसको वो करने दो साधना करने दो सेंटर में भाई बहन किसके लिए आते हैं अपने जो घर के दुख दर्द है उनसे मुक्ति के लिए आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं तो भगवान के घर में आते हैं सेंटर भी भगवान का घर है मधुबन भगवान का घर है यहां कोई भी आता है तो उसके टाइम को वेस्ट नहीं करना है जो वो साधना का प्लान लेकर आया है उसको फलीभूत करने के लिए हमको सहयोग देना है अर्थात जितना हम दूसरे से दूरी बना के रखें उतना ही अच्छा है हाँ सामने वाले को कोई चीज़ की जरूरत हो या कोई चीज़ पूछ कुछ बात पूछनी हो वो भले आए लेकिन हम किसी के पास डायरेक्ट ना आए किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना जैसे ये पूतना जैसा है तो हमको वो नहीं बनना है नेक्स्ट है पूतना के बाद कौन था मारिच मारिच मामा, मारीच मामा। तो हमारी चर्था आकर्षण इस अध्यात्म के पथ में ब्राह्मण जीवन में आकर्षणों की भरमार लगी पड़ी है और दिन प्रतिदिन नए नय नए आकर्षण हैं जो कभी सोचते भी नहीं थे हम वो सब नए आकर्षण आएंगे चाहे वो साधनों के रूप में आ रहे हैं चाहे वो व्यक्ति के रूप में आ रहे हैं चाहे वो भोजन के रूप में आ रहे हैं चाहे वो घूमने फिरने के रूप में आ रहे हैं ये सारे आकर्षण हमारी साधना को भंग करने वाले हैं हमारी साधना की ताकत को कम करने वाले हैं तो इन सब से हमको दूरी बना के रखनी है नेक्स्ट था आए नहीं आज शिशुपाल जी इस ब्राह्मण जीवन में हम कदम कदम पर जैसे क्या होता था शिशुपाल गाली देता था तो यहां भी हम कदम कदम पर गलती पर गलती गलती पर गलती गलती पर गलती होती रहती है फिर दाग पर दाग दाग पर दाग पक्का बन जाता है और एक बार दाग अगर गहरा लग गया उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है तो कौन सी गलतियां होती हैं हमारे से बार बार देह अभिमान में आने की गलती होती है बार बार दृष्टि चंद होती है उसकी गलती होती है जी नेगेटिव चिंतन एक व्यर्थ सोचने की आदत ही बना रखी है कि व्यर्थ के बाहर निकलना नहीं है चाहे वो स्वयं के प्रति सोच रहे हैं चाहे दूसरों के प्रति है जबकि हमारे संस्कार ही नहीं है वो हमारा स्वभाव ही नहीं है आज बाबा ने कहा तुम्हें अपना स्वभाव कैसा रखना है मीठा <laughs> टेम तुम्हारा मीठा होना चाहिए लेकिन हम अपने स्वभाव को मीठा करने के बजाय दूसरे के स्वभाव को भी खराब कर देते हैं दूसरे की अच्छाई में बुराई ढूंढ लेते हैं इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, तो सुलटे को उल्टा उल्टे को सुलटा कर देते हैं तो बाप भी सर्वशक्ति बाबा कहते हैं बच्चे भी इतने सर्वशक्तिवान है जो सर्वशक्तिवान बाप को अपने से अलग कर देते हैं तो हमें ऐसा इस तरह का पालनी बनना जो हम गलती पर गलती करते जा रहे हैं गलती पर एक गलती से हमने धोखा खाया फिर दूसरी गलती कह रही है फिर तीसरी गलती गलतियों की बोझ गलतियों की टोकरिया जैसे हमारे सिर पर हमारे जीवन को बोझिल करती जा रही है फिर योग लगेगा उसको स्वीकार भी नहीं करना तो कितनी गलतियां हो रही है हमारे जीवन में नेक्स्ट है इंद्रजीत तो इंद्रजीत का भी देखा था हमने वो इंद्रजीत क्या किया था उसका इंद्रजीत का क्या इंद्र का सिंहासन लेने के लिए तपस्या करते हुए तो सब आसुरों ने तपस्या की दूसरों का आसन छीनने के लिए दूसरे के आसन पर अपना कब्जा जमाने के लिए तो हम किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें किसी के डिपार्टमेंट में या किसी के अपनी घरेलू जीवन में पारिवारिक जीवन में नहीं तो सिर्फ ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो आप कहाँ से हैं वहाँ से हैं बस तो धीरे धीरे शुरू हो जाता है आप भी महाराष्ट्र से हम भी महाराष्ट्र से है ना फिर आपके परिवार में कौन कौन है अच्छा हमारे परिवार में भी इतने हैं वो सारी हमारी चेतना किधर चली जाती है जो जानी चाहिए ऊपर की तरफ इसी संसार में घूम रही है फिर फिर नए नए रिश्ते क्रिएट हो जाते हैं फिर कुछ कुछ सालों के बाद वो अलौकिक से लौकिक में बदल जाते हैं तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं तो इस तरह से हमको पूरी सावधान रखनी है और अंत में था रावण तो रावण का काल तो संहार किया ही नहीं था वास्तव में रावण का सहार कैसे किसने किया था राम ने और किसकी मदद से विभीषण की मदद से तो इस तरह की आश्री वृत्तियों का जो संसार है हमारे अंदर अभी भी है ये हमको पहले स्वीकार करना है अभी से मुक्ति के कैसे प्राप्त करनी है इसके लिए हम पंद्रह बातें देखेंगे तो सबसे पहली बात तो है एडिक्शन फ्री लाइफ जो भी हमारी आदतें हैं जो बताया है, गलती पर गलती करते जा रहे हैं उन गलतियों की सूची निकालनी है कि सारे दिन में कौन कौन सी ऐसी गलती हो रही है जो बार बार हो रही है बार बार हो रही है चाहे वो देखने की है चाहे वो किसी के साथ गप मारने की है चाहे व्यर्थ सोचने की है उस उन एडिक्शन से मुक्त होने के लिए हमको पहले लिस्ट बनाने क्योंकि हमको अगर अपने एडिक्शन का पता नहीं है उसको हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं तो हम उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी आदतें वो हमको देखना है खुद ही देखना है क्योंकि सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं और वो आते हम दूसरों को बताते थोड़ा नहीं है वो खुद ही हमारे ऊपर हावी होती जाती रहती है जैसे और आते हैं कौन से बीच में बताया इधर की बात उधर करना या किसी का टाइम वेस्ट करना या कोई चीज देखते रहना मंत्रा के जैसा तो एडिक्शन फ्री लाइफ होनी चाहिए दूसरा अपने ऊपर कृपा करनी है आज बाबा ने मुरली कहा क्या वो कहा कृपा आशीर्वाद बरदान उपकार तो हमें अपने ऊपर ही कृपा करनी है सबसे पहला रहम स्वयं के ऊपर करना है अगर स्वयं पर हम कृपा नहीं कर पा रहे हैं रहम नहीं कर पा रहे हैं स्वयं को प्रधान नहीं मूर्त नहीं बना रहे हैं दूसरों को प्रधान कहाँ देंगे दूसरों पर कृपा कहा कर करेंगे वो संकल्प हमारा दूसरों पर काम करेगा ही नहीं क्योंकि हमारा खुद का संकल्प खुद के ऊपर ही काम नहीं कर रहा है दूसरों पर कहाँ से करेगा भले हम सोचते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूं नहीं होगा वो क्योंकि हम स्वयं का कल्याण करते जा रहे हैं स्वयं ही मान की इच्छा स्वयं ही दूसरों के जीवन में कमी कमजोरियां देखने की प्रवृत्ति बन चुकी है तो स्वयं पर कृपा कर करें कहाँ करें तो दूसरा है स्वयं पर कृपा करना है तीसरा है क्लीन योर माइंड अपने मन को स्वच्छ रखने की कुछ विधि ढूंढनी है और वो है मनन चिंतन कल के मूल्य में शायद नहीं परसों जो शाम को चली मुरली मनन चिंतन करना है मनन चिंतन हमारे मन बुद्धि को क्लीन करेगा स्वच्छ करेगा और जितना हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होगा बर्तन शुद्ध होगा तो वो ज्ञान रतन हीरे मोती हमारी बुद्धि में ठहरने लगेंगे नहीं तो ये ये थाली जो है ये बुद्धि रूपी थाली खाली की खाली रह जाएगी उसमें वो मक्खी मच्छर जैसे विचार जो हमको स्वयं को भी काटेंगे और दूसरों को भी काटते रहेंगे तो क्लीन योर माइंड तीसरा है चौथा है देही अभिमान्य स्थिति आज का देही अभिमान्य स्थिति ये सबसे बड़ी मंजिल है इसको अचीव करना कोई साधारण बात नहीं है तो बार बार बाबा कहते जब भी इस सीजन के मूल्य में देखा होगा अधिकतर बाबा ने जो ड्रिल की प्रैक्टिस कराई इस से डिटैच होने की एक सेकंड में देह से परे तो वो बार बार हमको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि विकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है देह अभिमान से होती है तो अगर हमारा देह ही अभिमानी करने का अभ्यास पड़ जाए और वो नेचर नेचर हो जाए तो धीरे धीरे देह अभिमान की आसक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी उनसे हमारा लगाव उनसे अटैचमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा नहीं तो दिन प्रतिदिन हमारी जो चेतना है हमारा जो विचार है वो सारा देह के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो चौथा है देही अभिमानी स्थिति का हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट है आई कंट्रोल अपनी आंखों पर नियंत्रण बाबा कहते हैं सबसे बड़ी धोखेवा कौन है ये आंखें हैं तो इन आंखों का भी शुद्धिकरण करना है अब इनका आंखों को तो बताया ना बंद तो कर नहीं सकते हैं अब इन आंखों का कैसे शुद्धिकरण ये हम सबको देखना है क्योंकि दे देख दिख, दिखाई देता तो देव को बाबा ने क्या कहा देख सांप की तरह है तो दे के बारे में बाबा ने जो चिंतन दिया हुआ है जो महा के उच्चारित किए हुए उनका चिंतन करना उनका चिंतन करने मात्र से हम दे अभिमान से मुक्त हो जाएंगे उससे नुकसान होने वाला क्या है वो भी हमको देखना है दे की वास्तविकता क्या है उससे भी हमको बली भांति परिचित होना है देश से हमको कौन कौन से दुख मिला है उसका उस भी हमको उसका उस भी चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे तो क्या करना है आई कंट्रोल अपनी आंखों का शुद्धिकरण करना है इन आंखों से दूसरों की कमी कमजोरियां देखने के बजाय दूसरों की विशेषताओं को ढूंढना है और सबसे पहले तो बताते हैं कि अपनी विशेषताओं को देखना है जब तक हम अपनी विशेषताओं को नहीं देखेंगे दूसरों को भी नहीं दिखाई देंगे तो वास्तव में सारा काम तो स्व परिवर्तन के ऊपर ही है इसलिए क्या है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमें दूसरों को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है वो स्वतः होंगे जब हमारे स्व परिवर्तन की परछाई दूसरों पर पड़ेगी वो स्वतः ही उस परछाई का अनुभव करेंगे उनके जीवन में परिवर्तन के लिए अपने आप संकल्प चलेंगे हमें संकल्प किसी को देने की जरूरत नहीं है इसलिए बाबा कहते तुम्हारा चलता फिरता जीवन कैसे सैंपल है ब्रह्मा बाबा का जीवन बताया ना संडे की मुरली में सैंपल है वो कौन सी बातों में बताया था सैंपल कर्म के लिए जन्म धर्म कर्म जन्मदाता और धर्मदाता कौन है स्वयं निराकार स्थापक और कर्म बाबा बनता है ना भाग्य की कलम ही कर्म है ब्रह्म बाबा का एग्जाम्पल दिया तो हमारे जो जीवन है ये चलता फिरता दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा तो कौन सी बात बताई थी आ, आई कंट्रोल नेक्स्ट है फूड भोजन पीछे इक्कीस दिनों की भट्टी में पिछली एक सौ आठ दिनों की भट्टी में देखा था और एक इक्कीस दिनों की भट्टी में दो दिन के लिए रसा रखा हुआ था ये सब ने अनुभव किया हुआ है <स्थाथ> किया होगा भोजन का इस जीवन ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा योगदान है लेकिन इस भोजन को हमको युक्ति युक्त तरीके से और बड़े निष्ठा से बड़ी सच्चाई सफाई से स्वयं के पुरुषार्थ में निखार लाने के लिए पूरी सोच समझ के साथ इसको अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि भोजन एक जैसे संकल्प है भोजन का एक एक निवाला जैसे हम अपने मन को संकल्प दे रहे हैं तो जितना हम लिकवोड लेते हैं देखा हमने पचाने की ताकत कम लगती है हल्के रहते हैं एनर्जी रहती है बहुत सारी क्लासों में बहुत सारी बातें सुनी है तो धीरे धीरे उस पर जाना है लेकिन बहुत धीरे धीरे नहीं तो कई बार ये भी देखा उसको कई बार नेगेटिव परिणाम भी बहुत सामने आए हैं बिना सोचे समझे तीनों टाइम लगातार रसार कर दिया तो शरीर ही जैसे गिर गया और सारा समाज जैसे उनके लिए दुश्मन हो गया एक हिसाब से तो हमको बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है जोश में नहीं होश के साथ करना है तो भोजन जितना हम लिक्विड लेंगे और अपने अपनी सुविधा अनुसार सप्ताह में दो दिन रखो नहीं तो तीन टाइम की जाए एक टाइम लिक्विड लो और एक टाइम सॉलिड और शाम को थोड़ा हल्का ले लो धीरे 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 करना जरूरी है ये अपनी समझ के साथ करना है हाँ सबसे मुख्य बात है जो हम करते हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है तो अपना अपना। क्योंकि हर एक का शरीर अपने-अपने प्रकृति अपनी अपनी व्यवस्थाएं सबकी अपनी अपनी परिवार समाज सबका अपना अपना है जी हाँ सबकी अलग अलग है बीमारियां अलग अलग हैं सभी और तुरंत हम उसको कर दें तो कईयों को तो बीमारियां का उनसे सफा भी मिल जाता है और कईयों की बीमारियां भी बढ़ गई उल्टा हो गया तो सब अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है समझ के साथ करना है तो क्लास में सबसे पहले दिन में यही बताता कि सब चीज़ सोच समझ के करनी है जो यहाँ बताई जा रही है उसको मानना नहीं उसको पहले सोचो उस समझो उस पर विचार करो उस पर मंथन करो अपनी बुद्धि चलाओ हाँ जी अपने विवेक का कुछ लाओ नहीं तो ना अपने अपने विवेक का खून कर दिया हुआ है तो कहाँ थे भोजन पर भोजन कर लिया ना सबने अभी आगे बढ़ते हैं <laughs> नेक्स्ट है गुड विशिज शुभ भावना, शुभ भावना तो अपने प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है कि मैं अपने प्रति कितना अच्छा सोचता हूँ ऐसा तो नहीं कि सारे दिन मैं अपनी कमजोरियों के बारे में सोच रहा हूँ अपनी कमजोरियों के जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ नहीं अपनी विशेषताओं का भी चिंतन करना है और उन विशेषताओं को कार्य में लगाना है नेक्स्ट है हाँ जी एच अच्छा जी एच हाँ से हो गया ना होल्डिंग नेचर किसी की बात को पकड़ के नहीं रखना है किसी ने हमने को थोड़ा छोटा मोटा बोल भी दिया तो सारा दिन हमारी बुद्धि उसी के उसको पकड़ के बैठ जाती है अरे बोल दिया तो बोल दिया क्या फर्क पड़ता है घर में भी तो माँ बाप कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना हम उसमें बुरा मनाते थे जब हम छोटे बच्चे होते थे माँ बाप कुछ बोलते तो हमारे हित के लिए कह, कहते थे तो इस ब्राह्मण जीवन में अगर हमको कोई कुछ कहता भी है तो हमारे हित के लिए ही है अगर कोई बुरा भी कह रहा है तो हमारी मनोस्थिति को मजबूत करने के लिए तो हमको उस बात को पकड़ के नहीं बैठना होल्डिंग नेचर नहीं बन जाना हाँ होल्डिंग नेचर वो बनना जो भगवान के मामा के उनको पकड़े रखो तो हमारा ताकि हमारा बेड़ा पार हो सके नहीं तो छोटी छोटी बातों में हमारा जीवन सारा हमारा टाइम वेस्ट होता तो रहता है नेक्स्ट है सॉरी कर देना जो भी हमारे से गाली कमी कमजोरियां या गलतियां होती हैं तो भगवान के आगे या सामने किसी से हमारी थोड़ी भी बातचीत हो जाती है तो सॉरी करने से हमने देखा हमारा पुरुषार्थ निर्विघ्न हो जाता है नहीं तो अहम ऐसा है आई अर्थात मैं मैं ऐसा है जो हमको आगे बढ़ना नहीं देता है एक छोटा ए आई और एक बड़ा आई तो आई अर्थात अहंकार मैं को नष्ट करने के लिए जहां भी हमारा आपस में मन मुटाव होता है वहां सौरी कर दो क्षमा मांग लो के प्रधान में स्लोगन में है या कल था क्षमा भूल गया था सही कभी ना कभी <laughs> क्या था यह <ये> पता नहीं नेक्स्ट <laughs> है जिज्ञासु वृत्ति को बढ़ाना है ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान में हमने सीख लिया सब कुछ बहुत कुछ सीखना बाकी अभी तो कुछ भी सीखा ही नहीं है इतनी जो एक के दिनों में बत्ती में जो नई नई बातें मिली यह हमको पता थी कुछ पता नहीं था कौन किसके मुख से कब क्या निकल जाए तो ये हमको और वो बात हम हमारे पुरुषार्थ को बहुत आगे लेके चली जाएगी तो हमको हमेशा वृत्ति बना के रखनी है सीखना है नेक्स्ट है कर्म सिद्धांत की स्मृति को कभी नहीं भूलना है जो कर्म हम कर रहे हैं हमको देख के सब कर रहे हैं और वो कर्म का प्रभाव सबसे पहले तो हमारे ऊपर ही पड़ता है चाहे वो हम नेगेटिव रूप से करें चाहे पॉजिटिव रूप से कर रहे हैं वो कर कर्म हमें फल तो अवश्य देगा चाहे वो संकल्प से हम कर रहे हैं चाहे बोल से कर रहे हैं चाहे वो कर्म स्थूल रूप से कर रहे हैं तो कर्म सिद्धांत की समृति हमको बनाकर रखनी है नेक्स्ट है लव परमात्म प्यार को बढ़ाना है और परमात्म प्यार को बढ़ाना अर्थात परमात्मा की जो बाबा की जो श्रीमत है उस श्रीमत का अनुसरण करना ही उसके प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा मुरली से प्यार बढ़ाना अर्थात मुरलीधर से हमारा प्यार बढ़ेगा उसकी सेवाओं से प्यार अर्थात बाबा से प्यार उसके परिवार से प्यार अर्थात बाबा से प्यार उसके यज्ञ से परिवार अर्थात भगवान से प्यार उसकी सेवा केंद्र से प्यार अर्थात बाबा से प्यार तो प्यार को बढ़ाना है नेक्स्ट है मौन की प्रैक्टिस साइलेंस की प्रैक्टिस जितना हो सके हम व्यर्थ से किनारे रहें और अपने मन को मौन अर्थात नेगेटिव चिंतन से मुक्त रखे पॉजिटिव चिंतन में जितना हम डुबो के रखेंगे उतना हमारा समर्थ्य ताकत बढ़ती जाएगी और हमारी आंतरिक क्षमता का विकास होता जाएगा नेक्स्ट है नो no कंप्लेन कोई शिकायत नहीं करनी है ये ऐसा है वो वैसा है हम कैसे हैं हमको ये देखना है नहीं तो सारे दिन जो चित्त है शिकायतों से भर रहता है कंप्लेंट ही कंप्लेंट कंप्लेंट ही कंप्लेंट और जो चित्त शिकायतों से भरा कंप्लेंट से भरा कंप्लीट कब बनेंगे तो शिकायतों से नहीं है किसी से शिकायत नहीं करनी है कोई शिका शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं सब ठीक है ऑल इज़ वेल सब अच्छे हैं सब अपना अपना पार्ट बखूबी निभा रहे हैं और नेक्स्ट है लास्ट में पंद्रहवा पॉइंट पवित्रता को बढ़ाना है और पवित्रता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे योग का प्रयोग करेंगे निरंतर पवित्रता के सागर की शतरछाए में बैठे रहना है तो ये सारे पंद्रह पॉइंट थे जिससे हम अपने जीवन को इस भट्ठी के सार का रस अनुभव कर सकें नहीं तो ये कहीं यहाँ तक ही सीमित नजर आ जाए बट्टी तो वास्तव में करने के बाद चालू होती है तो आज ये बट्टी यहाँ संपन्न हुई और कल से जो दूसरी बट्टी चलेगी 108 दिन की चलेगी और उस बट्टी का नाम है विजयी भव और ये तो मोटे रूप से आश्रय वृत्तियों का सहार करने का सभी ने प्रयास किया अभी नेक्स्ट है उसके बाद में जो कल से चलेगा विजयी भव एक सौ पिकारों पर जीत ये एक सौ आठ बिकारों पर जीत की यात्रा है तो इसके तीन चार क्राइटेरिया रहेंगे हम्म चार बातों पर आधारित जो भी आगे बट्टी चलेगी जैसे पहला है काम विकार ये काम विकार क्या है इसकी परिभाषा क्या है बचपन में हम सुनते थे कि काम क्रो लो ये शत्रु हैं तो हमको तो पता है नहीं था तो हमने बोला काम तो हम तो दिन भर काम ही करते रहते हैं तो ये शत्रु कैसे हैं हमारे इसके बिना हमारा गुजारा कैसे होगा <laughs> ये तो बाद में बड़ा होने के बाद पता चला काम होता क्या है <laughs> नहीं तो पहले काम को हम वही समझते रहे तो काम की परिभाषा क्या है ये हमको देखना है सबसे पहला होगा इसका परिभाषा दूसरा है बाप दादा के संबंधित महावाक्य काम से संबंधित बाबा ने कौन कौन से महावाक्य उच्चारित किए हैं उनको एकत्रित करके उस पर चिंतन करना और उस चिंतन को यहाँ सबके सामने रखना है तीसरा है किन किन परिस्थितियों में ये उभरता है जैसा काम है तो कौन कौन सी परिस्थितियों में काम हमको उत्तेजित करता है उभरता है हमारे मन को चंचल करता है विचलित करता है बुद्धि को भटकाता है कर्मिंद्रे को उत्तेजित करता है ये देखना है कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ सारे दिन में आती हैं चौथा है इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है तो ये चार तथ्यों पर आधारित रहेगा टॉपिक तो कल है काम ये विकार क्या है इसकी परिभाषा क्या है बाप दादा के संबंधित महावाक्य किन किन परिस्थितियों में ये उभरता है और इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है तो ये कल से 108 विकारों पर जीत की यात्रा होगी और इस पर कुछ और भी अपना अपना एक नियम बना सकते हैं जैसे भोजन का बीच में था कि सप्ताह में दो दिन तो इस इन 108 दिनों के दौरान भी भोजन के ऊपर नज़र पूरी रखनी है और अपने अपने तरीके से बताया जैसे जितना हो सके भोजन को रसाहार के रूप में चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है जितना उसको लिक्विड करेंगे उतना हमारी साधना के लिए एक अमृत की तरह काम करेगा वो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा लिक्विड जो हमारे विकारों का विकारों को ख़त्म करने का जैसे एक शस्त्र है धारदार शस्त्र है लेकिन ये हमको स्वयं ही प्रयोग करना है नहीं तो सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाएगा तो जहाँ भी हम रहते हैं अपनी पीनी व्यवस्थाओं को देखते हुए धीरे 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 जैसे आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया चूहा क्या करता है फूक मार के काटता है तो उसी तरह से अपने आप को भी चूहा बना के अपनी जो एडिक्शन है इनको काटना है और उसका क्योंकि जो भी यहाँ रिसर्च किया गया वो ऐसे वैसे नहीं किया गया अनेक भाई बहन अभी भी उसका उपयोग कर रहे हैं समझ के साथ जो समझ के साथ कर रहे हैं जैसे वो पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वो तो सफल हो रहे हैं और जिन्होंने बिना अंडरस्टैंडिंग के किया बिना समझ के साथ जोश में आकर कर दिया उनके लिए वो भारी पड़ गया है और वो कई तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए और उसके लिए फिर दूसरे दूसरे बड़ों से भी राय लेते हैं कि हमको लिक्विड भोजन करना चाहिए तो सीधा बड़े कहते हैं नहीं करना चाहिए क्योंकि हाँ कोई भी बताते हैं क्लास में क्योंकि डायरेक्ट बताती है क्योंकि जिसने अनुभव नहीं किया वो तो ऐसे बताएंगे तो हमको बड़ी समझ के साथ करना है क्योंकि बता कौन रहा है वो जिसको हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी है अगर हम उसको बताएं तो माना जा सकता है कि एक खराब अब डॉक्टर साहब बताएंगे डॉक्टर को सारा कुछ मालूम है उन्होंने पूरी ज़िंदगी शरीर के ऊपर रिसर्च करने में लगा दी है कि कौन सी शरीर के जो आ, सारी कर्मिंद्रियाँ हैं जो शरीर की नाड़ियाँ हैं कैसे काम करते हैं वो डॉक्टर चिकित्सा बेहतर तरीके से बता सकते हैं तो, तो जो भी सारी रिसर्च की गई है तो उस हाँ लिक्विड से आए फ्रूट पर आए हैं रसा वही प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है तो जो 108 दिनों की पूरी भट्टी थी जिसको अगर करना है तो वो शुरू से लेकर क्लास को सुनना है और पूरी समझ के साथ करना है तुरंत नहीं करना है नहीं तो बाहर डॉक्टर सचिन भाई पूछने नहीं जाएंगे उन्होंने तो बता दिया इधर पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे इसलिए डॉक्टर सचिन भाई ने बार बार कहा समझ के साथ करना है धीरे धीरे करना है तो ही हमको इसका लाभ मिलेगा और उसका परिणाम क्या होगा डिटॉक्स जो हमारे विकृतियाँ हैं हमें पकड़ में आएंगी बाहर निकलेंगी उनको छोड़ने की ताकत आएगी और नींद कम नींद और भोजन ये हमारे दो मुख्य एक शस्त्र हैं। इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में साधना की यात्रा में जिन पर अगर हमारा कंट्रोल है नियंत्रण है तो हमारी साधना दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी नहीं तो बिखरती जाएगी।, तो जाएगी तो हम हाँ जैसे बच्चे बाप की भी निंदा कराते हैं हाँ, ऐसे जो तो क्लास कराने तो हैं उनकी भी निंदा ना नहीं करा देते <laughs> हैं तो हमको देखना है सूक्ष्म रूप से हमारे मन के ऊपर ऐसे पापों का बोझ ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता ना जाए बड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और ये धीरे धीरे पकड़ में तब आएगा जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी तो अपनी समझ के साथ तो जितना हो सके सप्ताह में जो दो दिन बताए थे फ्राइडे और मंडे दो दिन अगर लिक्विड पर पूरा दिन रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो सवेरे के टाइम में टोटल लिक्विड कर दो दोपहर के टाइम में एक ही टाइम भोजन करो कई बार तो हमने देखा पहले भी कई बार बताया ये बाजू में एक मकान है एक बुज़ुर्ग रहता है नाइन्टी थ्री एज है उनके अभी एक सारे दिन में केवल एक ही टाइम भोजन करता है वो सवेरे तक कुछ नहीं सवेरे के दोपहर के टाइम में भोजन करेगा और शाम को दूध लेता है बस ब्रह्मा के टाइम के हैं बाहर के तो ऐसे संसार में भी लोग हैं और हमने देखा कभी उसको बीमार भी नहीं देखा चलता फिरता एकदम हेल्थ अभी कुछ दिन पहले एक ओम शांति मन में एक बुजुर्ग आए थे टूरिस्ट के टाइम में तो नाइन्टी फोर ईयर एज एकदम हट्टे कट्टे एकदम अच्छी वो तो हमने उनको पूछा तो बोला सवेरे के टाइम में मैं केवल दोपहर तक बारह बजे तक फ्रूट ही लेता हूँ और एक टाइम भोजन करता हूँ तो संसार में भी हेल्थ के प्रति कितनी जागरूकता है और कितने एकदम उनमें चुस्ती फुर्ती देखने लायक बनता था तो हम तो भगवान के बच्चे हैं हमको सारी समझ मिल रही है अनेक भाई बहन हमें मार्गदर्शक बनकर हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के भगवान ने निमित्त बनाए तो हमको सबसे फायदा लेना है जो इस जीवन में पुरुषार्थ नहीं भी कर रहा है उससे भी हमको सीखना है तो हरे के हम सब सीखना है पुरुषार्थ ना करते हुए खुश कैसे रहे वो भी है खुश रहते एकदम हल्के रहते हैं पुरुषार्थ करने वाले टेंशन में रहते हैं देखते हैं हम चेहरे में बार बार टेंशन है और जो नहीं करे वो मौज से जी रहे हैं तो उनसे भी सीखना बनता है हमको आनंद ले रहे जीवन के तो इस जीवन का हमको रस अनुभव करना है अच्छा ओम शांति सूर्य घर घर हो आध्यात्मिक सूर्य घर घर हो साधना से ध्वस्त हो जाए रेखा